इसी कड़ी में दुर्ग में शहीद चौक से पूर्वी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने तिरंगा गौरव यात्रा निकाली, जिसमें शामिल विधायक महापौर ने देशवासियों को एक डोर में पिरोने सर्वधर्म की प्रार्थना कर यात्रा के माध्यम से अपील की। पूर्वी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा शनिवार को दुर्ग के शहीद चौक से अनेकता में एकता का संदेश देने के साथ ही सर्वधर्म के लोगों को एक डोर में पिरोने का संदेश लिए इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बागलीवाल, पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष आर्यन वर्मा, सभापति राजेश यादव व कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू, महिला कांग्रेस अध्यक्षा कन्या ढीमर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। इस यात्रा के दौरान रास्ते में आने वाले मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे व दरगाहों में जाकर पूजा अर्चना कर देश में शांति खुशहाली के साथ सर्वधर्म के लोगों को एक डोर में पिरोने की कामना कर आज़ादी की 75वीं अमृत महोत्सव पर घर घर तिरंगा लहराया गया। कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता देवेश मिश्रा और विधायक अरुण वोरा ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का इतिहास देश की आज़ादी का इतिहास है और हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और प्रदेश के भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में गौरव यात्रा प्रारंभ की गई है और गौरव यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाना चाहिए, यह कांग्रेस की परंपरा रही है, कांग्रेस की संस्कृति रही है। उसी उद्देश्य को लेकर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि विगत 3-7-8 वर्षों में देश को तोड़ने की तैयारी की जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने यह यात्रा निकाली है कि भारत एक है, सर्वधर्म संभाव की भावना पर कांग्रेस पार्टी काम करती है और सभी धर्मों का सम्मान रूप से सम्मान करती है। आपने देखा होगा सुबह से ही हमारी ये यात्रा निकली, जिसमें रास्ते में जितने भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे और अन्य देवालय पड़े देवी देवताओं के, वहाँ जाकर हमने मत्था टेका और यही प्रार्थना की है कि भगवान सबको जोड़कर रखे और सब मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाएं। यही उद्देश्य कांग्रेस पार्टी का है और इस यात्रा का है। 15 किलोमीटर हम लोग प्रतिदिन चलते हैं, 75 किलोमीटर चलेंगे और 15 अगस्त को 75वीं वर्षगांठ बहुत धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ हमारे प्रदेश के वासियों को और जो जिन्होंने कांग्रेस की परंपरा को मजबूती देने में अपना भरपूर सहयोग दिया। इसी वर्षगांठ तीर्थ उत्सव के उपलक्ष्य में कांग्रेस की यह पदयात्रा पूरे देश में राष्ट्रव्यापी यात्रा निकाली गई है और इसका मुख्य उद्देश्य सभी देशवासियों को, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को एक सूत्र में जोड़कर रखना है, एकता, समानता, भाईचारा का संदेश देना है। और यह यात्रा हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर गांव-गांव में कहने में यह यात्रा चल रही है और लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। अभी हम देख रहे हैं कि लगातार लोग अपने घरों से, दुकानों से निकल कर इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने आज जो यात्रा निकाली है उत्तर ब्लॉक कमेटी के द्वारा, यह यात्रा ग्रीन चौक से निकली और सभी धर्म के जो अपने चाहे वह गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, या अभी हम लोग अभी यहाँ पर पहुँचे हैं बाबा के मजार के पास में, पुराना बस स्टैंड में, इस प्रकार से सभी धर्म के सम्मान करते हुए वहाँ पर चादर पोशी करते हुए, वहाँ पूजा अर्चना करते हुए यह यात्रा पूरे दुर्ग शहर में घूम रही है और इसका एकमात्र उद्देश्य लोगों को एक सूत्र में बांध कर रखना, चाहे वह किसी जाति, धर्म या समुदाय के हो, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, सब एक है कांग्रेस पार्टी की नज़र। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।